हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम नेटिंग बिगर गेंस वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एडिटोरियल है ब्लू इकोनॉमी पे। ब्लू इकोनॉमी जो आपकी फिशरीज वाला सेक्टर है उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन भी फिशेज के लिए कहा जाता है, मछली पालन के लिए कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली एक बढ़ती हुई हमारी एक रोशनी है देश के लिए, जो कि जीडीपी में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है और बहुत सारे लोगों को ये रोजगार देती है। इंटरिम बजट 2020 वाला, फाइनेंशियल ईयर 2020 वाला इंटरिम बजट जो आया, उसमें सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक और फिशरीज के लिए। और अब जो 2020 से 21 वाला जो आया है, उसमें यूनियन बजट ने 825 करोड़ रुपए, पिछले साल 770 करोड़ था, 825 करोड़ इस साल फिशरीज सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशन दिया है। बजटरी सपोर्ट दिया जा रहा है ब्लू इकोनॉमी के लिए, ब्लू इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस को समझा जा रहा है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं अभी, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये दोनों हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। आपकी दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में सेंटर केंद्र सरकार 100% पैसा लगाती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार राज्य सरकार का कुछ पैसा अपने मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 60% 40%। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रेशियो होता है 60-40, 70-30, 80-20, ऐसे 90-10, ठीक है। तो ये दोनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ये स्कीम्स मेरीन फिशरीज़ की कंजर्वेशन में, डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी जाएगी, और एक्सपोर्ट्स को 2025 तक 100,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य है। फिशरीज़ वाला एक्सपोर्ट 2017 से 2020 तक 65,000 फिशरमैन को ट्रेंड किया जा चुका है इन स्कीम्स के अंदर। ब्लू इकोनॉमी को सिग्निफिकेंस को समझने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन की बात हमको करनी पड़ेगी। ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था और ब्लू रिवॉल्यूशन हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सबसे पहले तो हम फिशरमैन की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। फिशरमैन की इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, फिश प्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, फिशर इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है। देखो, फिश प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है, बेसिकली उसमें फिशरीज़ भी कैप्चर की जाती है, समंदर में जाके, तालाबों में जाके, नदियों में जाके मछली पकड़ी जाती है। एक्वा कल्चर भी होता है हमारा, जिसमें मछलियों को पकड़ा नहीं जाता, वही जहाँ पे मतलब उनको पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, अलग से उनको सस्टेन किया जाता है, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना जाता है कई बार। और एक्वाकल्चर में उनको सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके, कि वो बढ़ सके, मछलियाँ जो हैं अपना जो पॉपुलेशन है बढ़ा सके। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग होती है, तो फिश प्रोडक्शन सिस्टम इन सब को इंक्लूड करता हुआ चलता है। अगर डाटा की मैं बात करूं तो फिशरीज़ प्रोडक्शन में इंडिया की तीसरी रैंक है, एक्वाकल्चर में इंडिया की सेकेंड रैंक है। फिशरीज़ पे 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जीडीपी का 1.0% कंट्रीब्यूट करता है। 334 बिलियन रुपीस की ये एक्सपोर्ट इसने जनरेट की थी, और 2025 तक हमारा 100,000 करोड़ रुपए ले जाने का लक्ष्य है एक्सपोर्ट को, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड भी बढ़ने के चांसेस हैं। टोटल फिश प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो एक्वाकल्चर 55% कंट्रीब्यूट करता है, और एक्वाकल्चर कौन करते हैं, स्मॉल होल्डर फार्मर्स, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कल्चर फिशरीज़। तो बेसिकली स्मॉल स्केल फिशरीज़ जो होती हैं आपकी, छोटे छोटे लेवल पे जो फिशरीज़ बनाई जाती हैं, और उनमें जो मछलियाँ होती हैं वो हाउस होल्ड लेवल पे कंज्यूम की जाती है, मार्केट में बेची जाती हैं। तो ये बेसिकली एक स्मॉल स्केल जो फिशरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार में हेल्प कर रही है, 14 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है, गरीबों का पॉवर्टी रिडक्शन करती है, फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, क्योंकि जो फिश प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी रिच एनिमल डाइट होती है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियल डाइट रखता है। तो जो फूड सिक्योरिटी है, जैसे जो खाने की समस्या है, जो न्यूट्रिशियस फूड की समस्या है, वो फिशेज से, मछलियों से मिल जाती है, और लोगों को रोज़गार मिलता है, तो पॉवर्टी रिडक्शन ऐसे भी हो रही है। अब एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी डिबेट चल रही थी कि आखिर जिस तरीके से मछलियों का पालन हो रहा है, मछलियों को जिस तरीके से कैप्चर किया जा रहा है फिशेस को, तो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं ये फिशरमैन। हाल ही में एक खबर आई थी जो वेस्टर्न अपने केरला है, जिस तरीके से फ्लड्स वगैरह आ रही हैं, तो केरला में पता चला कि कुछ तालाबों में एग्जोटिक स्पीसीज़ पाई गई हैं, जैसे पिराना हो गई आपकी, और जो एग्जोटिक स्पीसीज़ हैं वो नेटिव स्पीसीज़ हैं फिशरीज़ की, उनको खा रही है। और यही नहीं, इसकी वजह से वो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है।
अब आप बोलोगे फिश तो फिश ही होती है, अगर एग्जोटिक फिश अगर नेटिव फिश को खा रही है तो वो तो इकोलॉजी है ना, फूड चेन है। लेकिन एग्जोटिक फिश जो आ रही है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी तो नहीं है। जो मछुआरे हैं, फिशरमैन्स हैं, वो अगर उन मछलियों को पकड़ के बेचने की कोशिश करते हैं मार्केट में तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारी नेटिव स्पीसीज जिनकी कुछ वैल्यू थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गया, और फ्लड्स की वजह से जो एग्जोटिक स्पीसीज आई है उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रही। तो हमको कई चैलेंजेस हमारे सामने, एक तो ये जो मैंने बताया एग्जोटिक स्पीसीज का, दूसरा है कि जिस तरीके से मछली पालन बढ़ता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी मछलियों की पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है खास करके इंडियन ओशन में। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम है जिसमें आप मछलियों का पालन को बढ़ावा देते हो, इकोलॉजिकल सेफ्टी बनाए रखते हो और उनको जो है उनका प्रोडक्शन करके उनको उनका आराम से इकोलॉजिकल वैल्यू भी बनाए रखते हो। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली होती रहती है, मछलियाँ आती रहती हैं, मछलियों को निकाला जाता रहता है, मछलियाँ आती रहती हैं, ठीक है। जैसे नाइजीरिया में 50% फिश फार्मर जो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग पे डिपेंड रहते हैं, वैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा हमको। और काफ़ी कुछ सपोर्ट हमारे देश में एक्वाकल्चर सिस्टम को मिला है और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस पहले से काफ़ी इंप्रूव हुई है और पैसा मिलना आसान हो गया है, ट्रेड फैसिलिटेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन और कुछ हमको करना भी पड़ेगा। गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशनल व्यू पॉइंट से मैं देखूं तो फिशरीज़ वाला सेक्टर है वो काफ़ी आगे आ चुका है और अभी, लेकिन उसको और भी लंबा रास्ता पूरा करना पड़ेगा ब्लू इकोनॉमी की पोटेंशियल को वास्तव में अचीव करना है। तो इसके लिए साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़ भी काम कर रही है फिशरीज सेक्टर में, और जिस तरीके से अमूल कोऑपरेटिव मॉडल काम करता है वैसे ये भी काम कर रही हैं, और फिशरमैन मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं जिनमें कई सारे फिश वर्कर्स को ट्रेंड किया जा रहा है। अब तक 65,000 वर्कर्स को ट्रेंड कर दिया जा चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किए बजट में कि फिशरीज़ एक्सटेंशन की जाएगी। किस तरीके से 3,477 सागर मित्राज लाए जाएंगे और 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस लाए जाएंगे। अभी सागर मित्रा क्या होते हैं? सागर मित्रा में फिशरमैन मछुआरों को ट्रेंड किया जाएगा कि मछलियों को कैसे पकड़ना है, सस्टेनेबिलिटी कैसे बनाए रखनी है और मार्केट पैकिंग की मार्केटिंग कैसे करनी है। तो पूरी तरीके से सागर मित्रा में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे 3,477 सागर मित्राज खुलने के आसार है। सरकार ने 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रमोट करने की बात की गई है। अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में थे। देखो, मैं अगर आपको पूछूं कि अगर एक आदमी एक किलो का प्रोडक्शन, मान लो किसी भी चीज़ का, एक आदमी एक किलो का प्रोडक्शन अगर 100 रुपये में कर रहा है तो 10 आदमी 10 किलो का प्रोडक्शन 800 में नहीं कर सकते क्या? अब आप बोलोगे कैसे? 10 आदमी अपना अपना दिमाग लगाएंगे, 10 आदमी अपनी अपनी जो है सहायता देंगे। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जिसमें जितना प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा कॉस्ट आपकी कम आती जाती है। तो फिश जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में आपके दूध वाले भी आ जाते हैं, मछुआरे भी आ जाते हैं, डेयरी सेक्टर वाले भी आ जाते हैं और लाइव स्टॉक वाले सेक्टर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पूरा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अलग अलग अलग, अगर आप फिशरीज सेक्टर में हो तो आप फिशरीज़ वाला ऑर्गेनाइजेशन बना दो, आप अगर दूध का डेयरी सेक्टर में काम करते हो तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन बना दो। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जितने भी लोग उनको साथ लाया जाए, प्रॉफिट शेयर किया जाए, एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर किया जाए, कॉस्ट कम की जाए और किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा भी निकाल सकता है वो। तो ये एक तरीके से मिलके जुलके इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने का एक जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। हमारे देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन तो रहे हैं लेकिन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको बैंकों से लोन आसानी से नहीं मिल पाता, क्योंकि बैंक वाला लोन देते समय आपसे कोलेट्रल मांगता है कि मुझे कोलेट्रल दो, इनके पास कोलेट्रल नहीं होता, और लीगल रिकॉग्नाइजेशन इनको नहीं मिलता कई बार, इनको टैक्स एग्जम्पशन भी इतना नहीं दिया जाता, और ये देखा जाता है कि इनके पास प्रोफेशनल स्किल वाले लोग नहीं होते। हालांकि कई चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जैसे ये ऐप वैप बना देते हैं, जैसे अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐप बना देंगे मिलके, ऐप में वो सारी डिटेल अपने फार्मर्स को, अपने मेंबर्स को किसी भी कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड बता सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और भी मजबूत करें। नाबार्ड और एक डोनर एजेंसी ने मिलके एक प्रोजेक्ट चलाया, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स में चल रहा है, और एक ग्राम उत्थान नाम का भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बना रहा है। अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात होती हैं,
जो कंपनीज़ होती है उनको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया जाता है, कंपनीज एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर किया जाता है और पेड अप कैपिटल 1,00,000 रुपये की रखी गई है ग्राम उत्थान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो अपनी कंपनीज़ बनाई है फार्मर वाली। ये चीज़ें आपके क्या काम आएंगी मेंस में। ब्लू इकोनॉमी पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो सारा ही आप मेंस में लिख सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बेसिकली इंटरनेशनल डोनर्स पे डिपेंड करते हैं, इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन पे कंपनीज़ में। 4 जो कंपनियाँ खुली हैं अभी ग्राम उत्थान के द्वारा। एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं कि फिशरमैन को ट्रेनिंग दे सकते हैं और जो गरीब है मार्जिनलाइज्ड है, और ऐसा किया जा चुका है। 2017 में 1,21,560 फिशरमैन को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था जिसपे 2.36 करोड़ की लागत आई थी। यूनियन बजट 2020 में भी कुछ इसी तरीके का काम किया गया, स्किलिंग की व्यवस्था की गई, स्किल्स बढ़ाई गई फिशरमैन्स के लिए, और इसका नाम रखा गया मत्स्य विज्ञान केंद्र। तो सागर मित्रा, मत्स्य विज्ञान केंद्र, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सब आपने इस आर्टिकल में पढ़ लिया। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देख लिया कि फिशेज़ को कैसे इंप्रूव कर, फिशरीज सेक्टर को कैसे इंप्रूव करना है, चैलेंजेस क्या क्या हैं। और मत्स्य विज्ञान जो केंद्र था वो सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलाबोरेशन में उसने काम किया था फिशरमैन को स्किलिंग देने का। तो ठीक है, ये जो फिश ब्लू, ये जो ब्लू इकोनॉमी है, फिश सेक्टर है हमारा, इसके बारे में जानना जरूरी भी था। बिल्डिंग लीडर्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50 साल हो गए आज। 1971 में ही आया था, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, एक एनजीओ है और काफ़ी ज़्यादा इसने अचीवमेंट की है। काफ़ी मतलब अगर मैं इसकी रिपोर्ट्स की बात करूँ तो हर साल इसकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेड एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है हमारा वो 50 साल का हो चुका है, एक एनजीओ है और इसकी ग्लोबल शेपर्ड्स कम्युनिटी हैं, मतलब हर देश में ग्लोबल शेपर्ड्स कम्युनिटीज़ ने लगाई हुई है जिसमें इंडिविजुअल्स को काम दिया जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इनिशिएटिव्स को पूरा किया जाए। कम्युनिटी होती है पूरी एक इंडिविजुअल्स की जो कि बेहतर इस दुनिया को बनाना चाहती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपने बहुत बार सुना ही होगा, ये साल भर में 3-4 बार 5-6 बार तो न्यूज़ में आ जाता है, एक तो अपनी रिपोर्ट की वजह से और कई बार अपनी इनिशिएटिव्स की वजह से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे भी काम करता है, एनर्जी पे भी काम करता है, और उसकी जो एनुअल समिट होती है जो दावोस स्विट्जरलैंड में होती है उसमें बिलियनेयर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ कई स्टेट्स के हेड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक जरिया बन गया आइडियाज़ को किसी तरह दुनिया को पहुँचाने का, और जो इंडिविजुअल्स जो वास्तव में दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, एनर्जी पे, क्लाइमेट चेंज पे, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहते हैं, उनको ये जोड़ के रखना चाहता है। तो उसके अचीवमेंट्स अगर पूछा जाए, 50 साल हो गए, मेंस में अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। पहला तो इसने जो है इंडिविजुअल्स की पावर को समझा और उनको जो है इंस्टीट्यूशंस की पावर को समझा। दूसरा, ये पीपल में इन्वेस्ट करता है, ये लोगों में इन्वेस्ट करता है, उनकी स्किल्स बढ़ाता है, मतलब उनकी एनर्जी, टाइम और स्किल सही जगह जाए, लीडर्स को एक साथ लाता है, ये क्रिटिकली और मीनिंगफुली सोचने के लिए मजबूर करता है। तीसरी चीज़ जो कंट्रीब्यूशन इसने किया कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को ये एम्पावर करता है साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल मॉडल्स पे अलग अलग एरिया में। चौथा, 21st सेंचुरी नॉलेज इकोनॉमी जो हमारी है तो उसमें ये एक पावर हाउस के तौर पे काम करता है, आइडियाज़, एक्शन, थॉट्स, पर्पस ये लाता है। अगर आपने इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को तो आप देखोगे कई देशों के आइडियाज़ ये अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालता है कि ये इंडिया ये कर रहा है, इंडिया प्लास्टिक से रोड बना रहा है, अफ्रीका ये कर रहा है, फ्रांस ये कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आइडियाज़ को प्रमोट करने में काफ़ी मदद करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका कंट्रीब्यूशन वो ये है कि हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग हो सकती है उस पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है, मतलब कंट्रीज़ को एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका हो चुका है। और ऐसे कमिटमेंट्स पूरे करने की कोशिश करता है जो कमिटमेंट सोशली डिजायरेबल हैं, टेक्नोलॉजी फिजेबल हैं, फाइनेंशियली वायबल हैं और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है। ये जो लाइन है अपने मेंस के आंसर में आप कोट कर सकते हैं, और ये लाइन आप केवल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही नहीं बल्कि कोई स्कीम आई हो या फिर कोई इनिशिएटिव भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है तो उस पर आप ये कोट कर सकते हो कि कोई भी स्कीम किस तरीके की होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्राइवेट लोगों के साथ, सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ, आइडियाज़ के साथ काम करता है, और इनके पीछे जो इंसान खड़े हैं वो है प्रोफेसर क्लॉस। प्रोफेसर जो क्लॉस हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के
प्रेसिडेंट है और ये काफ़ी अच्छे हैं, विजनरी है। इनसे पूछा गया था एक बार कि अभी इस साल कि आप क्या मानोगे कि 50 साल में हमने क्या सबसे जो चीज़ थी वो अचीव कर ली, सबसे अच्छी चीज़ क्या थी। ये कहते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ सबसे उस ये है कि हम उस लेवल तक पहुंच गए कि हम ये देख सकते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये दुनिया को ये बता सकता है कि अगले 50 साल हमको क्या करना है। सबसे अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि हम दुनिया को 50 साल तक बता सकते हैं कि हमको क्या करना है और प्लान क्या करना है। गाइज, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।